पिछले दिन ही अजनाला विखे पिंड बग्गे कला विच कुछ शरारती अंसरां वल्लों चर्च ते हमला कीता गया सी अते हमले दौरान इट्टा रोड़े चलाए गए सन, पर पुलिस वल्लों कोई भी कार्रवाई नहीं कीती गई अते जिस तों बाद मुलाजमां दे विरुद्ध कार्रवाई ना करन ते रोस विच अजनाला अमृतसर मुख रोड पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे जनरल सैकटरी अते घट गिणती कमीशन दे मैंबर सोनू जाफर दी अगवाई हेठ सड़क जाम करके धरना दे के कैबिनेट मंत्री सुख सरकारी अते पुलिस प्रशासन विरुद्ध जम के नारेबाजी कीती गई। इस मौके पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे जनरल सैकटरी सोनू जाफर ने कहा कि चर्च पर हमला करने वाले लोगों ते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा प्रार्थना कर रहे लोगों ते मामला दर्ज कर दिता है। उन्होंने दसा कि इस संबंधी उन्होंने मंत्री सरकारिया नाल भी गलबात की सी पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये जी सत्तवें महीने की गल है 15/7/2020 पिंड बग्गे कलां राजासांसी हल्के दे विच एक कुछ शरारती अंसरां वल्लों चलदी प्रार्थना सभा विच हमला किया गया सी और पास्टर परिवार नूं काफ़ी सट्टां लाइयां गईयां, जिन्हां दी MLR कापी जिहड़ी आ लोको की हस्पताल उन्हां नूं एडमिट कराया गया सी, जिते डॉक्टरां ने डिकलेयर किया कि इन्हां नूं सट्टां बहुत गंभीर लगियां ने और इन्हां दी हड्डियां जिहड़ियां फ्रैक्चर होईयां ने। 3 महीने पहले ही असी थाना राजेसांसी विच MLR दी कापी दे के आए हैं और उन्होंने बेनती की थी कि जिहड़ा न्याय आ वह किया जाए और पुलिस प्रशासन की इस हरकत तो असी हैरान है कि 3 महीने पहला असी उन्होंने ये भी बेनती की थी कि जे क्योंकि साढ़े धर्म के इस माफ़ी की बहुत वड्डी जगह दिती गई है और साढ़े पास्टर साहब कहन लगे कि जे हो सकता है तो इन्हों माफ़ कर दिता जाए, इन्हों परमेश्वर वेखेगा और असी यह भी कहा कि इन्हों जिहड़ा वा माफ़ कर दिता जाए, बैठ के इन्हों का जिहड़ा वा उधर उधर कंप्रोमाइज़ करा दिता जाए। पर कुछ शरारती अंसरां वल्लों दो धर्मां दे विच फुट पाउण वास्ते और पंजाब दा माहौल खराब करन वास्ते विशेष उपराला किया गया और उन्हां पादरी और उहदे परिवार के उपर नजायज़ 452-325 दे जिहड़े परचे दर्ज किए गए। सो इस करके मैं साडे मिनिस्टर साहब सुख सरकारिया जी उन्होंने फोन किया, उन्होंने भतीजे दलराज सरकारिया ने भी फोन किया, उन्होंने कई समर्थक जिहड़े सी उन्होंने नैटवर्क से उन्होंने मैं गलबात की भी तुसी बिठा के इन्हों जिहड़ा राजीनामा इन्हों का करो क्योंकि दोवें ही धड़े जिहड़े ने वह कांग्रेसी ने उन्होंने कन तो बिल्कुल जू नहीं सरकी। मैं फिर भी एक हफ्ते तक का अल्टीमेटम जिहड़ा सी उह पंजाब पुलिस नूं पुलिस प्रशासन नूं दिता सी कि अगर साडी इह सुनवाई नहीं होएगी जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हां ते परचे दर्ज नहीं किए जाएंगे और जिहड़े इह पास्टर परिवार ते जिहड़े परचे होए ने उह खारज नहीं किए जाएंगे ते असीं जिहड़ा धरना सड़कां ते आउण मजबूर होवांगे। सो इन्हां दे कन्न ते बिल्कुल जू नहीं सरकी। सो अज सानूं मजबूरन कुकड़ां वाले मेन चौंक दे विच धरना प्रदर्शन करना पै रिहा। सो ये उन्नी देर तक असी धरना प्रदर्शन जारी रखांगे जिन्नी देर तक पास्टर दे परिवार के उपर हो जिहड़े नजायज़ परचे रद्द नहीं किए जाते और दोषियों ते कार्रवाई नहीं की जाती असी उन्नी देर तक इतने बैठे रहा। कादी कांग्रेस की सरकार है जी, अज इहो स्थिति साडी सरकार दे विच कित्थे सुनवाई है, साडी सरकार दे विच किसे वर्कर दी किसे दी भी सुनवाई ये नहीं कि सोनू जाफर कल्ले विशेष दी है, किसे दी भी इत्थे सुनवाई नहीं, कोई बांह खड़ी करके करे कि सीएम साहब दी जिहड़ी एक रैली कराई बहुत तगड़ी विशाल नाले। हाँ 2016 दे विच मैं सीएम साहब मेरे घरों खाणा भी खा के गए सी और रैली कराई सी, सीएम साहब उन्हां नूं मेरा नाम पता वा विशेष करके, सिर्फ एक है कि धर्म दे आधार ते सानूं क्रिश्चन भाईचारे नूं टारगेट किया जा रहा, असी इत्थे साडा क्रिश्चन भाईचारे दे विच 3 साल की गवर्नमेंट के घट्टो घट्ट साढ़े 10 जिहड़े ने कतल हो चुके हैं जिन्होंने कोई इंसाफ नहीं मिलिया ना कोई न्याय नहीं मिलिया। अज दूसरा धरना है मेरा, एक अजनाले हल्के मैं इंसाफ लैन वास्ते धरना लाया सी, अज एक राजसंसी हल्के धरना लाया। मैनू नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट नाँ की चीज़ है साड़ी पंजाब दे विच, कोई अन्नी पीसे कुत्ते चट्टन वाला काम चल रहा, इतने बस पैसा पूसा इकट्ठा हो रहा और किसी वर्कर की कोई पुछ नहीं पड़ता। मैं फोन किया नहीं, सरकारिया साहब फोन चुकते उन्होंने मैसेज किया कि यह साड़ी प्रॉब्लम है हैंडल करो और किसी इन्हों के विशेष व्यक्ति के राही मैं मैसेज भेजा, उन्होंने कहा नहीं कोई गल नहीं, इन्हें क्रिश्चना की कोई गल नहीं है और मैं साढ़े घट गिनती क्रिश्चन भाईचारा अपने आप नू इत्थे डर का माहौल महसूस कर रहा इस टाइम पंजाब दे विच। नहीं जी वो तो घट गिनती कमीशन का चेयरमैन जो पहले नंबर पंजाब का है ही नहीं है, वह तो चंडीगढ़ का आधार कार्ड है जोड़ा
और वो ऑन ड्यूटी यूनीवर्सिटी का डीन है पंजाब यूनीवर्सिटी का, और वो पांच तो नौ तो पांच बजे तक यूनीवर्सिटी रहिंदा, उन्हें किस गरीब की गल सुननी है? और कौन गरीब जाएगा उत्थे चंडीगढ़ किराया खर्च के बेचारा उसकी वेट करेगा भी यूनीवर्सिटी उन्हें छुट्टी हो? असी मंग यो करते हैं कि जेडे दोषी आ उन्होंने परचे करके उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, और जेडे पास्टर परिवार से जो नजायज परचे किए ने उन्होंने रद्द किया जाए। इस मौके पीड़ित राज मसीह ने दसा कि चर्च उपर हमला होया, जिस तो बाद पुलिस ने उल्टा उन्होंने मामला दर्ज कर दिता है। वो मांग करते हैं कि उन्होंने इंसाफ दवाया जाए। ये नाम मेरा राज मसीह है, पिंड मेरा बगा कलाम है। चर्च के लागे बजरी पई सी, इट पई सी, जिदे बारे सानू ऐसी कहा कि उत्ते कुत्ते ने गया चुक लो। ये बलदेव सिंह ते पुन्ने ने गालां कढ़ियां कुड़ियां दियां, माड़े चंगे शब्द बोले आ। चर्च के अगले दिन उन्होंने सलाह करके दूजे दिन मुंडे इकट्ठे करके जो 8 बजे बंदगी शुरू हो रही थी उदो उन्हें कोठे चढ़ के इटे रोने चलाने शुरू करते हैं। तो चर्च से भी अटैक किया, उन्होंने गाला भी कड़िया, माड़े चंगे शब्द भी किए। 14 तरीक न गलबात हुई, 15 तरीक मुंडे इकट्ठे करके लड़ाई की उन्होंने, तो चर्च से हमला किया वा। साड़ी मंग है कि जेडे साडे मुड़के उल्ट हड के 452 के परचे किए गए वो रद्द किए जाए, जिन्हें ने हमला किया उन्होंने मतलब परचा किया जाए। हाँ जी, एक बेटे की सट लगी बांह दे, उसकी 26 बनी है, उन्हें 23-24 बनी सी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने 23-24 बनी, साड़ी 26 बनी ही, उन्हें उल्ट 452 लाती है, 23-24 का नहीं परचा किया, 26 का परचा किया। इस मौके पुलिस अधिकारी ने दसा कि मामले की जांच की जा रही है, बनती कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध अज तो करीब 3 महीने पहला पिंड बग्गा कलां दोनों धर्म आपस में झगड़ा होया, जिसके संबंध में पूर्ण सिंह के बयान से मुकदमा नंबर 162 अंतरशाह 452 325 343 निगा IPC दर्ज किया गया है। जो उस संबंध में अजे दोषी कोई गिरफ्तार नहीं होया, तो दोनों धर जी एक दूसरे ब्लेम लादियां ने। उस संबंध में DSP साहब अपने अटारी इनकुआरी कर रहे हैं, वो जो दिशा निर्देश देने उस मुताबिक जी अगली कार्रवाई ली जाए। वो बारे पड़ताल कर रहे हैं DSP साहब, जो सच्चाई सामने आऊगी उस मुताबिक कार्रवाई की जाऊगी। नहीं, कोई सामने नहीं आई गल फिलहाल, नहीं कोई गल सामने आई, जे गल कोई सामने आएगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। प्राइम उदेली अजनाला तो जगजीत सिंह जग्गा की रिपोर्ट।